आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्री राम भक्त हनुमान जी व तुलसीदास जी से संबंधित एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बात उस समय की है जब तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम जी से संबंधित रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। वह हर रोज नियम पूर्वक रामचरितमानस को बड़े ही भावपूर्वक व प्रेम पूर्वक लिखते। अपने आराध्य के प्रति तुलसीदास जी की पूर्ण श्रद्धा थी। जब रामचरितमानस अपने पूर्ण विश्राम की तरफ अग्रसर हुआ, तो तुलसीदास जी ने अपने भाव को प्रकट करने के लिए एक दोहा लिखा। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, सब में राम है, हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। यह दोहा लिखने के पश्चात तुलसीदास जी भगवान श्री राम को प्रणाम कर अपने घर जाने के लिए अपने गांव की तरफ निकल पड़े। चलते जा रहे हैं और मन ही मन गुनगुनाते जा रहे हैं, सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इतने में ही अचानक एक बालक उनके सामने आया और बोला, बाबा आप इस मार्ग से ना जाएं। आगे एक बैल क्रोधित अवस्था में खड़ा है और आने जाने वाले पर प्रहार कर रहा है, और साथ ही आपने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिसे देखकर बैल और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। तुलसीदास जी ने उस बालक की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने द्वारा लिखे दोहे पर विचार कर बोले, अभी तो मैंने लिखा कि सब में राम है, मैं उस बैल को प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। इस तरह तुलसीदास जी बालक की बातों की तरफ कोई ध्यान न देते हुए आगे बढ़ गए, और जैसे ही वे बैल के नज़दीक पहुँचे, बैल ने उन्हें मारा और वह गिर पड़े। जैसे ही वह गिरे, उन्हें क्रोध आया और उठकर उस तरफ भाग चले जहाँ वे रामचरितमानस लिख रहे थे, और वहाँ पहुँचते ही तुरंत उस चौपाई का कागज पकड़ा और उसे फाड़ने लगे। जैसे ही वह चौपाई फाड़ने लगे, राम भक्त हनुमान तुरंत प्रकट हुए और बोले, तुलसीदास जी ये क्या करने जा रहे हो? हनुमान जी को देख तुलसीदास जी क्रोधित होते हुए बोले, मेरे द्वारा लिखी ये चौपाई सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी गलत है, और हनुमान जी को सारी घटना सुना दी। तुलसीदास जी की बात सुन हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आपके द्वारा लिखी चौपाई बिल्कुल गलत नहीं है, यह सही है। तुलसीदास जी बोले, वो कैसे? हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी आपने बैल में तो भगवान को देखा, परंतु उस बालक में प्रभु को नहीं देखा जो आपको आगे जाने से रोक रहा था। आखिर उस बालक में भी तो प्रभु राम थे, वे तो आपको रोक रहे थे, पर आप नहीं माने। हनुमान जी की बात सुन तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु राम तो हमेशा किसी न किसी रूप में मनुष्य को अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, पर मनुष्य वही देखता है जो वह देखना चाहता है। हनुमान जी तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हुए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ अंतर ध्यान हो गए।
हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसी कृपा आपने तुलसी दास जी पर करी, वैसी हम सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।